हेलो दोस्तों, मैं हूं जिगर, आपका दोस्त, आपका हम सफर। और आज हम जानेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ब्स। देखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जरूरी होता है कि उस लैंग्वेज के ये जो क्रियापद है, यानी कि जो क्रिया दर्शाने वाले वर्ड्स है, उन्हें हम सीख ले। तो यहाँ पर भी मैंने वर्ब की तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को आपके लिए है टाइप करके रखा है, और आज हम उन्हीं को समझेंगे। और ये वर्ब अगर आपको आ जाते हैं तो ज्यादातर इंग्लिश आप समझ में आ जाएगी, और आप भी इंग्लिश में वाक्य प्रयोग कर सकेंगे, औरों के साथ बात कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़ जाइए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैंने ज्यादातर वही वर्ब्स लिखे हैं जिसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होता है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वर्ब की तीनों फॉर्म मेरे साथ। पहला वर्ब है अबाइड, अबॉर्ड, अबॉर्ड, यानी कि सहन करना। जब आप सिंगल फॉर्म की बात करें, यानी कि ये इसका बेसिक फॉर्म है, अबाइड, अबॉर्ड और अबॉर्ड, ये पास्ट है, और ये तीसरी रो पर जो आपको दिख रहा है वो उसका पास्ट पार्टिसिबल फॉर्म है। जब आप टेंस सीखते होंगे तब आपको कहा जाता होगा कि यहाँ पे उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाइए, यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। तो आपको जानना जरूरी है कि वर्ब की तीनों फॉर्म आपको याद हो। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार उसको सुनना है। अगर चाहे तो आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिए, तो ये वर्ब्स है वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ज्यादा वक्त ना बिगाड़ते हुए। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड यानी कि गाली देना। एक्सीलेट, एक्सीलेटेड, एक्सीलेटेड यानी कि त्वरित, तेज करना। अकाउंट, अकाउंटेड, अकाउंटेड यानी कि जिम्मेदार होना, हिसाब निभाना। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड यानी कि पूरा करना, कोई भी कार्य पूरा करना। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज यानी कि स्वीकार करना। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड यानी कि अभिनय करना। एक्टिवेट, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड यानी कि चालू करना। एक्ट्यूड, एक्ट्यूड, एक्ट्यूड यानी कि प्रारंभ करना, शुरू करना। एड, एडेड, एडेड यानी कि जोड़ना, किसी भी किस्म की चीज है वो जोड़ना। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड यानी कि स्वीकार करना। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड यानी कि सलाह देना। अफेक्ट, इफेक्टेड, इफेक्टेड यानी कि प्रभाव डालना। एम, एम्ड, एम्ड यानी कि लक्षित करना, निशान करना, गोल निर्धारित करना। अलाइट, अलाइटेड, अलाइटेड यानी कि नीचे आना, उतरना। अलाइट, अलीट, अलीट यानी कि नीचे आना, उतरना। अलाउ, अलाउड, अलाउड यानी कि आज्ञा देना। एनालाइज, एनालाइज्ड, एनालाइज्ड यानी कि विश्लेषण करना। अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड यानी कि घोषणा करना। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड यानी कि उत्तर देना। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड यानी कि लागू करना, लगाना या प्रयोग करना। अप्रोच, अप्रोच, अप्रोच यानी कि पास आना, पहुंचना। अराइस, अरोस, अराइसन यानी कि उठना। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड यानी कि पहुंचना। अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड यानी कि प्रबंध करना या तो क्रम से लगाना। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड यानी कि पूछना। असेंबल, असेंबल्ड, असेंबल्ड यानी कि जोड़ना, सम्मिलित करना। एज्यूम, एज्यूम्ड, एज्यूम्ड यानी कि कल्पना करना।
एस्टोनिस्ड यानी कि आश्चर्य होना, अटैच 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 यानी कि साथ लगाना, और अटेन अटेंड अटेंड यानी कि प्राप्त करना, अटैक अटैक अटैक्ट यानी कि आक्रमण करना, अटेम्प्ट अटेम्प्ट अटेम्प्टेड यानी कि प्रयास करना, अवॉइड अवॉइडेड अवॉइडेड जैसे बचना, अवार्ड अवॉर्डेड अवॉर्डेड यानी कि पुरस्कार देना, अवक अवक अवकन यानी कि जागना, बैक बैक्ड बैक्ड यानी धीमी आंच पे सेकना, बर्क बर्कड बर्कड यानी कि भोंकना, बाथ 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 यानी कि नहाना, बी वॉस बीन यानी कि होना, बिग बिग्ड बिग्ड यानी कि भीख मांगना, बिलीव बिलीव्ड बिलीव्ड यानी कि विश्वास करना, बिलोंग बिलोंग्ड बिलोंग्ड यानी कि सदस्य होना, बेनिफिट बेनिफिटेड बेनिफिटेड यानी कि भला करना, बिरेव बिरेव्ड बिरेव्ड ऐसे सी संचेत करना यहाँ की असहाय छोड़ देना, बिस्टो बिस्टोड बिस्टोड यानी कि प्रदान करना, बैट 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 यानी कि शर्त लगाना, बाइट बीट बिटन यानी कि काटना, ब्लेस ब्लेस्ड ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद देना, ब्लीड ब्लेड ब्लेड यानी कि खून बहना, ब्लो ब्लो ब्लोवेन यानी कि बहना, ब्लॉक ब्लॉकेट ब्लॉकेट यानी कि रुकावट होना, ब्लॉट ब्लॉटेड ब्लॉटेड यानी कि सोखना ड्राइव, बॉइल्ड बॉइल्डेड बॉइल्डेड यानी कि उबलना, बूस्ट बूस्टेड बूस्टेड यानी कि शक्ति बढ़ाना, बोरो बोरोड बोरोड यानी कि उधार लेना, बॉक्स बॉक्सेड बॉक्सेड यानी डिब्बे में रख देना, ब्रेक ब्रेकड ब्रेकड यानी कि रोकना, ब्रांच 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 यानी कि विभाजित होना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन यानी कि तोड़ना, ब्रिथ ब्रिथेड ब्रिथेड यानी कि सांस लेना, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट यानी कि लाना, ब्रीफ ब्रीफ्ड ब्रीफ्ड यानी कि संक्षिप्त करना, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टेड ब्रॉडकास्टेड यानी कि प्रसारित करना, ब्रॉडेन ब्रॉडेंड ब्रॉडेंड यानी कि चौड़ा करना, कॉल कॉल्ड कॉल्ड यानी कि पुकारना, कैलकुलेट कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड यानी कि हिसाब करना, कैलिब्रेट कैलिब्रेटेड कैलिब्रेटेड यानी कि मापन करना, कैर कैर्ड कैर्ड यानी कि परवाह करना, कैरी कैरिड कैरिड यानी कि ढोना साथ लेना, कैच कोट कोट यानी कि पकड़ना, कैलिब्रेट कैलिब्रेटेड कैलिब्रेटेड यानी कि उत्सव मनाना,
क्लेम्ड क्लेम्ड यानी कि दावा करना, क्लैप क्लैप्ड क्लैप्ड यानी कि ताली बजाना, क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड यानी कि साफ रखना, क्लिक क्लिक्ड क्लिक्ड यानी कि चमकना, क्लैम्प क्लैम्ड क्लैम्ड यानी कि चढ़ना, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड यानी कि बंद करना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पे जेड एप्स जहाँ पे लिखा है उसे टच करके आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं एक ही वीडियो में सारे वर्ब्स नहीं ले सका, तो इसलिए हमारे आने वाले वीडियो भी आप देखते रहिए। मैं इसी तरह आपको इंग्लिश सीखने में सहायक रूप हो सकूँ, यही मेरी आशा है। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।